नए संसद भवन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में दो पक्ष मूल तौर पर सामने आए हैं, एक समर्थन में एक विरोध में। लेकिन इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं पर लोकतांत्रिक मूल्यों और ख़ास तौर से जन का विचार, मुझे लगता है कि वो हमारी सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बन पाया है। हमें याद रखना होगा कि भारत का संविधान जनता को, जन को वास्तविक संप्रभु मानता है। यदि ये विषय है और यदि ये हमारी प्रस्तावना है, तो आखिर हम जन के विचार के साथ इस जो नए संसदीय भवन के निर्माण का जो प्रोजेक्ट है, उसका मूल्यांकन हम कैसे करें? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब हाँ और ना होगा। एक संदर्भ में जो संवैधानिक मूल्य हैं उसको देखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है वो सही है, क्योंकि 1976 के बाद से लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो तकरीबन रोक दी गई है, फ्रीज कर दी गई है। तो इसलिए ज़रूरत है कि जो आगे आने वाले समय है उसमें अधिक सांसद हों। हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, हम ये जानते हैं। अगर ऐसा है तो निसंदेह ये अच्छा प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए। लेकिन ये जो तर्क है जन वाला, ये आया नहीं है, ना तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनकी ओर से और ना ही जो विरोध कर रहे हैं उनकी ओर से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर एक, यदि हमें एक इसका मूल्यांकन करना हो तो इसको ज़रूर देखना चाहिए जन के विचार के साथ रखकर। वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें कि जो नया जो भवन बन रहा है उसकी जो कैपेसिटी है वो लोकसभा की 888 है और राज्यसभा की 345। तो अगर ये हमारा भविष्य की ओर देखने का इमेजिनेशन है, तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि वाकई में इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कोई कदम उठाने की बात भी की जा रही है या नहीं।